गाइस, मैं आज से एक नई सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो सोल लैंड और परफेक्ट वर्ल्ड की तरह होने वाली है, जिसमें आपको एक्शन, लव, फैंटेसी और कल्टीवेशन ये सब देखने मिलेगा। और मुझे यकीन है ये सीरीज आप लोगों को बेहद पसंद आने वाली है और मैं आशा करती हूँ आप सब इस सीरीज को भी अपना प्यार देंगे। अब आगे तो वीडियो की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ब्रह्मांड को बनाने के बाद यहाँ गॉड्स और इमोर्टल्स ह्यूमन अलग अलग रियल्म्स में रहते हैं और इन सभी पर गॉड की नजरें हमेशा रहती है। फिर हमें गॉड्स एंड इमोर्टल्स लैंड को दिखाया जाता है जिसे गॉड ने बनाया था, और यहाँ उस गॉड्स और इमोर्टल्स को लाया जाता है जिन्होंने क्राइम किया है। फिर उसे यहाँ पनिश्ड किया जाता है जो जगह डिवाइन और हेवन रियल्म्स के बीच में है, और जो यहाँ से भागने की कोशिश करता है वो मारा जाता है। पर यहाँ गॉड द्वारा 5000 साल में एक टेस्ट लिया जाता है, और जो इस टेस्ट में पास हो जाता है वो यहाँ से हेवन में जा सकता है। लेकिन कुछ गॉड्स और इमोर्टल्स यहाँ से भागने का रिस्क लेते हैं क्योंकि वो सब 5000 साल तक वेट नहीं करना चाहते थे। और फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने बच्चों के साथ मिलकर इस आइलैंड के ऊपर लगे सील को तोड़कर यहाँ से भागना चाहता है। हम देखते हैं वो आदमी सील में एक होल कर देता है, और तभी उसकी बीवी देखती है उसके बच्चे काफी ज्यादा तकलीफ में हैं क्योंकि उस सील को तोड़ने में उनकी बहुत एनर्जी लग रही थी और इससे उनकी जान भी जा सकती थी, और पहले भी कई लोगों की जान जा चुकी है। फिर वो कहने लगती है कि ऐसे फ्रीडम की क्या फायदा जिसमें इतने सारे लोग मारे जा चुके हो, और ये कहते ही वो पानी में कूद जाती है। तभी उसे बचाने के लिए उसका हस्बैंड और बेटा भी पानी में कूद जाता है। हम देखते हैं पानी में गिरते ही सब राख में बदल जाते हैं क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए पानी एसिड की तरह काम करती थी, और जो भी पानी को छूता था वो जलकर राख बन जाता था। ये देखकर उनके छोटी बच्ची बहुत डर जाती है और रोने लगती है, और इसकी नाम यूवी होती है। और फिर तभी वहाँ गॉड आकर कहने लगता है कि जिन लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश करी थी उन्हें सजा मिल गई है, और अब यहाँ से कोई भी भागने की कोशिश भी मत करना वरना वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और फिर हमें 10 साल बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ हम एक गॉड को देखते हैं जिसका नाम जिंगशुआन होता है, और वो एक लाइब्रेरी में जाकर वहाँ की बुक्स को पढ़ने लगता है। फिर हम छोटी बच्ची यूवी को देखते हैं जो अब बड़ी हो गई थी, और वो अपने शिप के साथ समुन्दर में होती है। और फिर दूसरी तरफ जिंगशुआन को देखते हैं, वह लाइब्रेरी में से एक बुक निकालता है जिसमें हेवन की मिस्टीरियस टेक्निक होती है। फिर वो उस बुक को जैसे ही ओपन करता है उसमें से कुछ डीमन रोबोट्स बाहर निकल कर आते हैं, और वो सब जिंगशुआन के ऊपर अटैक कर देते हैं, और फिर जिंगशुआन और उन रोबोट्स के बीच में फाइट होने लगती है। जिंगशुआन उन रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करता है, पर हम देखते हैं वह रोबोट्स फिर से जुड़ जाते हैं और फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और हम देखते हैं जिंगशुआन को उनसे लड़ने में काफी परेशानी हो रहा था। तभी उसे पता चल जाता है कि उन्हें मारने के लिए उसे उन रोबोट्स के हेड पर वार करना होगा, और फिर वो एक एक करके उन सभी रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और उनमें से एक रोबोट को वहाँ पर लगे हुए एक बहुत बड़े क्रिस्टल से पटक कर मार देता है, और उसी वक्त वहाँ एक धमाका हो जाता है और उसमें से एक रोशनी निकलकर सीधा आसमान की तरफ जाने लगती है जिससे उस रोशनी को वहाँ के सभी लोग देख रहे होते हैं, और दूसरी तरफ उस रोशनी को यूवी भी देख लेती है, और फिर वह उसकी तरफ जाने लगती है। फिर वापस लाइब्रेरी में देखते हैं यहाँ जिंगशुआन को कुछ मैजिकल चेन में बांध कर रखा था, और उसी समय वहाँ कुछ सिपाही आने लगते हैं। ये देखकर जिंगशुआन अपनी पावर का यूज करके वहाँ से भाग जाता है। फिर हम किसी जगह पर एक एल्डर को देखते हैं जो कहती है कि लाइब्रेरी में चोरी हुई है, और अब हम गॉड को क्या जवाब देंगे, हमें जल्दी से उस चोर को पकड़ना होगा। हम देखते हैं उनकी ये सब बातें यूवी भी छुपकर सुन रही थी, और तभी एक छोटा लड़का वहाँ आता है जिसका नाम लिंग लॉन्ग होता है। फिर वह यूवी से कहता है कि तुम्हें छुपते हुए किसी की बातें नहीं सुननी चाहिए वरना तुम पकड़ी जा सकती हो, और कहता है कि मैंने माँ से सुना है कि लाइब्रेरी में चोरी हुई है, और यह चोरी कोई नॉर्मल नहीं है क्योंकि सारे एल्डर्स बहुत परेशान है। हम रूम के अंदर देखते हैं वह एल्डर्स एक दूसरे पर ही इल्जाम लगा रहे थे।
चैन रोंग शू यिन पर इल्जाम लगाते हुए कहने लगती है, जरूर तुम्हारी फैमिली ने ही लाइब्रेरी में चोरी करी है। ये सुन के शू यिन बड़े गुस्से से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, तुम अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि वहाँ जो गार्ड मारे गए हैं वह मेरी शू फैमिली से ही है, और पिछले 10 सालों में से हमारी फैमिली बिना किसी कंप्लेन के कैनेडियन पवेलियन के लिए काम करती आ रही है। फिर चैन रोंग कहती है कि गॉड द्वारा 5000 साल में लिया जाने वाला टेस्ट नजदीक आ रहा है, और इसी वजह से तुमने यह सब किया है। शू यिन उसे कहती है, बिना एल्डर सील के वहाँ कोई नहीं जा सकता, और वह एल्डर सील तुम्हारे पास भी है, जरूर तुम्हारी फैमिली वहाँ गई होगी। और उसी वक्त वहाँ एक लेडी आ जाती है जो दिखने में बहुत पावरफुल लग रही थी, और यही ये पार्ट एंड हो जाती है। थैंक यू।